नमस्कार स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ मैं हूं रश्क गौरी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जी बुधवार से 3 दिवसीय बस्तर संभाग के प्रवास पर हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जी का कहना है कि सदन में भले ही बीजेपी के 15 विधायक हैं, लेकिन सभी अनुभवी हैं, संसदीय परंपराओं में पारंगत हैं। विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारियों के बीच प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जी से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता ने। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 12 से 19 जुलाई तक होना है और सत्र के दौरान बीजेपी आक्रामक नजर आ सकती है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जी मौजूद हैं। सर, 12 तारीख से सत्र की शुरुआत हो रही है, एजेंडे क्या तैयार हो चुके हैं बीजेपी? निश्चित रूप से 12 तारीख से जो सत्र शुरू हो रहा है बहुत छोटा सत्र है। उस दृष्टि से हमारे पास इतने बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें सरकार के खिलाफ हम चर्चा करने के तैयार है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी पूरी तैयारी, हमारे विधायक दल के सभी साथी उसकी तैयारी में लग गए हैं। बहुत सारे प्रश्न लग चुके हैं, पहले दिन से ही स्थगन आने वाला है और लगातार मैं तो समझ रहा रोज कई मुद्दों में रोज स्थगन आएगा, ऐसे पूरी तैयारी हो चुकी है। और राज्य सरकार को घेरने के लिए इन 6 महीनों में मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे मुद्दे, चाहे वो तमाम घोषणा पत्र के आधार पर ही सरकार बन करके आई जिस पर क्रियान्वयन की जल्दी बात कही थी, लेकिन वो बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे यहाँ पर बिजली कटौती की बात हो, चाहे किसानों का मुद्दा, ऐसे तमाम मुद्दों को लेके हम सरकार को निश्चित रूप से घेरेंगे। इसलिए पूरी तैयारी है, हमारे नेता प्रतिपक्ष सहित हमारे विधायक साथी कर रहे हैं। बिल्कुल, दंतेवाड़ा में विधायक रहे भीमा मंडावी की हत्या का मामला है, सूरजपुर में जिस तरीके से थाने के भीतर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, ये मामले, ऐसे तमाम मामलों को उठाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। लगता है कि संख्या बल जो कि बीजेपी के पास कम है, 15 की तादाद में विधायक हैं, ये एक मजबूत स्थिति सदन के भीतर बनाते नजर आ सकते हैं और कांग्रेस को सरकार को कटघरे में खड़ा कर। ये संख्या बल के दृष्टि हमारे सभी वरिष्ठ विधायक हैं और कानून व्यवस्था की मैंने बात कही, चाहे अपने पहले दिन स्थगन तो अपने भीमा मंडावी जी की क्या जो मामले है वो आयोग से चर्चा करने के लिए हमारे साथी तैयार हैं। उसके साथ साथ कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो सरगुजा क्षेत्र का मामला जिसमें पर थाने पर भी एक व्यक्ति वहाँ हत्या करके मैंने पुलिस पर लग रहा है, ऐसे तमाम मुद्दे कानून व्यवस्था की दृष्टि से हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे विद्युत के कटौती का मामला हो, चाहे अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं, तो रोज चर्चा करने को सरकार मैंने विपक्ष तैयार है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। निश्चित रूप से सरकार को इस सत्र में जो मानसून सत्र है, निश्चित रूप सरकार को अपने विपक्ष के साथ ही घेरेंगे। तिलदलिया जिले के ग्राम कोहका और तुलसी में स्थापित धान संग्रहण केंद्र में धान का औचक निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री अमरजीत भगत और कलेक्टर मार्कफेट एंडी और अधिकारियों की टीम ने धान संग्रहण केंद्र में धान के रखरखाव का जायजा लिया। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि अखबारों में धान खरीदी केंद्रों की अव्यवस्थाओं से संबंधित कई खबरें छपी हुई थी, उसी खबर पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तलब किया गया था। मंत्री अमरजीत भगत धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने के बाद व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। रायपुर के देवपुरी अमरीजी मार्ग के चौड़ीकरण का काम पूरा नहीं होने से यहां के रहवासियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देवपुरी अमरीजी नागरिक संघर्ष समिति के लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि शासन की उदासीनता के चलते लंबे देवपुरी अमरीजी मार्ग के चौड़ीकरण कार्य नहीं होने के चलते स्थानीय निवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने चक्का जाम कर अपनी भारी नाराजगी भी जाहिर की है। की इस सड़क से कम डेली 15-20 हजार लोग इसका उपयोग करते हैं, आना जाना होता है और हर 15-20 मिनट में यहाँ पर जाम लग जाता है। हम लोगों का ये कहना है कि ये सड़क जैसे भी हो चौड़ी होनी चाहिए, आजू बाजू जो लोग अवैध कब्जा में बैठे हैं उन लोगों को हटाया जाए। बलरामपुर जिले के मंदिर में लाउड स्पीकर बजवाने पर तहसीलदार और उनके ड्राइवर ने मंदिर के पुजारी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। नाराज नगरवासियों ने तहसीलदार को हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिस पर कलेक्टर ने मामले में जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
सर ये आवाज़ कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने कहा कि हाँ कम तो करा सकते हैं, तो कह रहे थे ठीक है। तो ये अपने बुला के लेके आए, हमने कहा कि आप इसको कम कर दीजिए, थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा लग रहा है। तो बोला हाँ सर आज 12 बजे तक बजाएंगे, मंगलवार है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं कम कर देता हूँ। कम भी कर दिया, उसका धम तुरंत निकल गया। बात किया मैंने कि सर प्रणाम, इसके बाद मेरे को बोलने लगे तुम अनपढ़ गवार हो क्या, अभी तक ये गाना बजा रहे हो। तो मैं बोला सर आज मंगलवार है, इसी वजह से अभी तक बज रहा है गाना और हर दिन बजता है गाना। तो वो बोलने लगे कि तुम, मेरे को बार बार रिपीट करने, तुम अनपढ़ गवार ही हो, इसी वजह से तुम गाना। कांकेर में राज्य सरकार के विरोध में राशन विक्रेता संघ ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल विक्रेता संघ के लाइसेंस सरकार ने रद्द कर दिए हैं। और विक्रेता संघ ने बताया है कि सरकार ने उनका लाइसेंस भाजपा कार्यकर्ता होने के आरोप लगाते हुए रद्द कर दिया। विक्रेताओं के मुताबिक यह आरोप झूठा है और उन्होंने इसकी कड़ी निंदा भी की है। विक्रेताओं ने जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। जिस शासन ने इस निर्णय को हमको बहुत पहले लेना था, जो दुकानदारों आज के डेट में अपन रोजी रोटी के लिए सब राशन दुकान पर आश्रित हैं, अब उसको आज के डेट में हमारा लाइसेंस निरस्त करता है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, जिसके तहत हमने लोकसभा के चुनाव जो है हम हारे हैं, ये सरासर आरोप हमारे ऊपर लगा करके समस्त छत्तीसगढ़ की राशन दुकानों की जो लाइसेंस है उसे रद्द करने जा रही है। बिलासपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है और कार्यकर्ताओं ने नेहरू चौक पर पहुंचकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और ज्ञापन सौंप कर प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने सरकार से 11,000 रुपए वेतन देने की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने उनके साथ नाइंसाफी की है। हम लोग मानदेय में वृद्धि जो मोदी सरकार द्वारा कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ था उसकी वो अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। और जब अभी उन्होंने 1 जुलाई से बजट दिया है तो उसको राज्य सरकार बोल रही है हमने 1500 रुपये तुम्हारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का बढ़ाया है, तो हम ये समझ नहीं पा रहे कि इसे मोदी सरकार ने बढ़ाया है कि इसको राज्य सरकार ने बढ़ाया है। अगर मोदी सरकार बढ़ाती तो हमको 9 महीने का एरियाज दे जो 13,500 रुपये बनता है, और अगर कहीं हमको राज्य सरकार बढ़ाती है तो हमको मध्य प्रदेश जैसा हमको 11,000 रुपये मानदेय मिलना चाहिए। रायगढ़ में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंची और ज्ञापन सौंपा। ऑल इंडिया फेडरेशन के आह्वान पर यहाँ पर 1 दिवसीय धरना रैली प्रदर्शन किए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 1 अक्टूबर 2018 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को दिवाली मनाने के उपलक्ष्य में एरिया सहित आप लोगों की मानदेय बढ़ाई जाएगी करके कहा था 2 अक्टूबर 2018 को, परंतु उन्होंने 1 जुलाई 2019 को उसको लागू किया और 1 अक्टूबर 2018 से अभी तक हमको एरिया भी नहीं दिया गया। बैंक में डकैती के इरादे से आए चोरों ने लॉकर नहीं टूटने पर गुस्से में बैंक में रखे दस्तावेजों को आग के हवाले कर दिया। मामला जगदलपुर से लगा नियानार ग्राम का बताया जाता है। यहां इलाहाबाद बैंक की ब्रांच में चोरों ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे और अलार्म को बंद कर दिया। बैंक की खिड़की में लगी रॉड को तोड़कर 9 इंच के रास्ते से बैंक के अंदर दाखिल हुए, लेकिन लॉकर की जगह केवल हैंडल ही तोड़ पाए। चोरी में असफल होने पर बैंक में रखे तमाम दस्तावेजों को चोरों ने आग के वाले कर दिया। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस और फायर फाइटर की टीम को दी, जिसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे बाल चोर गिरोह का काम होने का अंदेशा जता रही है। रात को इलाहाबाद बैंक की खिड़की के रॉड को निकाल कर तोड़ करके कुछ लोग वहां घुसे थे और उसके बाद उसकी वायरिंग और सीसीटीवी कैमरा इत्यादि को नुकसान पहुंचा करके उन लोग लॉकर तोड़ने का प्रयास किए हैं, और जब उन लॉकर नहीं तोड़ पाया तो उसी के बाजू में जो उनका रिकॉर्ड थे बैंक रिकॉर्ड इत्यादि को आग लगा करके फिर वहां से उन लोग भाग निकले हैं। अभी इस मामले में कल के सीसीटीवी का बैकअप इत्यादि की जांच की जा रही है। नेपाल नगर के बदनापुर वन परिक्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गए प्रशासनिक अमले और आदिवासियों के बीच हुए विवाद में 5 आदिवासियों को बंदूक के छर्रे लगने से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। छर्रे लगने से घायल 4 लोगों का नेपाल नगर उप स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है, लेकिन एक युवक जिसे 4 छर्रे लगे थे उसे इंदौर रेफर कर दिया गया था। तो उसमें गड्ढे खोद रहे थे ये लोग। कौन? फर्श वाले। अच्छा।
तो उसमें गड्ढे खोद रहे थे। महासमुंद में खाद की कालाबाजारी और गुणवत्ता को लेकर कृषि विभाग ने खाद और रासायनिक दवा बनाने वाले दो फैक्ट्रियों पर छापा मारा है और बनाए जा रहे खाद्य व जैविक दवाइयों के स्टॉक रखरखाव के साथ सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई। जांच के दौरान कंपनियों में उर्वरक आदेश का उल्लंघन पाया गया, जिस पर टीम ने दोनों फैक्ट्री प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया। यदि दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए तो दोनों प्रबंधनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस दिनों के लिए इनको डिटेन किया गया है और इसमें हम 21 दिन में सारा इनसे जानकारी लेके और आगे की कार्रवाई करेंगे। दूसरे फर्म पर क्या कार्रवाई? जेनेटिक वाले जो कीटनाशक जेनिट में ये पाया गया आज निरीक्षण करने पर कि इंसेक्टिसाइड का पैकिंग और लेबलिंग करते हैं वो, तो एंटीडोज नहीं था, उपचार के कोई साधन नहीं थे, तो उनको नोटिस कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बालोदा बाजार में अवैध शराब की बिक्री थमने का नाम ही नहीं ले रही है और इसी के चलते पुलिस ने अवैध शराब ले जा रहे दो आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में देशी शराब भी जब्त की है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक पान की दुकान पर भी छापा मारा था, जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पान की दुकान की आड़ में अवैध शराब का गोरख धंधा लगातार चल रहा है। अप्रैल उन लोगों को करके पूछताछ किया गया, किंतु उसे कब्जे से जो 100 नग जो है देसी दारू और एक पल्सर बाइक और दो व्यक्ति मिले हैं, जिन्हें हिरासत में थाने में पूछताछ की जा रही है। और जिसके बाद जशपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 22 लीटर अंग्रेजी अवैध शराब जब्त की है। आरोपी काफी लंबे वक्त से अवैध शराब का धंधा कर रहा था और आसपास के क्षेत्रों में शराब की सप्लाई भी किया करता था। पुलिस ने आरोपी के घर पर भी छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। कोरबा में रेलवे प्रशासन ने खाने पीने के सामान को लेकर सख्त रवैया अपना लिया है। रेलवे प्रशासन खाद्य पदार्थों की बड़ी ही बारीकी से जांच कर रहा है, जिसके चलते खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार हो सके। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने पानी के साथ खाने की चीजों की भी जांच की है। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय स्तर रेलवे के अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुधारने के आदेश दिए हैं। पर अभियान चलाया जा रहा है। अवैध रूप से जो पानी बोतल, विशेषकर लोकल पानी बोतल जो बेचते हैं प्लेटफॉर्म पे, स्टॉल पे, कंजी पार पे, उसके तहत कार्रवाई की गई है। जांच के दौरान किसी के ऊपर दुर्ग में पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए दो चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि 3 महीने पहले शराब दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि आरोपियों को महंगी चीजों का शौक है और बेरोजगारी के चलते वो मौज मस्ती का भी जीवन जीते हैं। आय से अधिक खर्चे के चलते ये आरोपी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया करते हैं। उसने चौकीदार के साथ मिलकर अपने दो दोस्तों सोनू भारती और सचिन बंजारे, ये दोनों हनुदा गांव के रहने वाले हैं, जहां का चौकीदार वीरेन भी रहने वाला है, इन सब ने मिलकर उक्त चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद कुछ और चोरियां इन लोगों के द्वारा की गई थी। इसमें पद्मनाथपुर चौकी के अंतर्गत योगेश श्रीवास्तव जी के यहाँ चोरी हुई थी। इसमें चूंकि ये पुराना मकान था, बहुत दिनों से बंद था, इसलिए इसमें मशरू का नहीं गया था। पूजा का कुछ सामान और पूजा के डब्बे में रखे हुए कुछ पैसे गए थे। इसके अलावा एक चोरी और हुई थी पद्मनाथपुर क्षेत्र में, जिसमें 40,000 रुपए कैश गया था। इसकी भी चोरी इन लोगों ने करना स्वीकार किया गया है। रायपुर के तेलघानी नाका स्थित पीएनबी के एटीएम में औजारों के साथ घुसे युवक ने चोरी का प्रयास किया है। घटना देर रात की बताई जाती है। एटीएम में चोरी करने गए युवक ने एटीएम के ऊपरी हिस्से को खोलने की भी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात के बाद गंज थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। ये दिलघाई नाका के पास एक पीएनबी का एटीएम है, उसमें आज रात में जो है कि अज्ञात व्यक्ति जो है आकर के घुसा और
उसका एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया है। पूरी घटनाएं जो है सीसीटीवी में आई है, इसकी हम आगे जांच कर रहे हैं और जो भी आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। बालोदा बाजार जिला मुख्यालय में अब चोरों की नजर कॉलोनियों के सूने मकानों पर है। समृद्धि कॉलोनी में हुई चोरी की घटना के बाद अब कृष्णायन कॉलोनी में भी सूने मकान में चोरी की घटना सामने आई। बालोदा बाजार के जिला चिकित्सालय में पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमती रूपरेला किसी काम से रायपुर गई हुई थी और इसी बीच चोरों ने घर को सूना पाते हुए फायदा उठाते हुए लगभग 2,20,000 रुपए और सोने चांदी के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। योजना की जा रही है, कुछ संदिग्धों को लाके बैठाया गया था और पूछताछ की जा रही है। जल्दी चोरी भी अपन नहीं हुआ। कौन कौन से कॉलोनी पे? समृद्धि कॉलोनी और कृष्णायन में कितने की हुई है? लगभग 2.5 लाख के आसपास। रायगढ़ में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि आरोपियों ने शराब के नशे में एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया था। आरोपियों ने बताया है कि मृतक भी नशे में था और उसके साथ गाली गलौज कर रहा था। इसी बात को लेकर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके चलते उसकी जान चली गई। 9 जुलाई को पुलिस को गांधीनगर में खून से सनी हुई एक लाश मिली थी। उसे हत्या के आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा और इन 5 को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा गया। इनका मुख्य रूप से गाली गलौज हुआ था क्योंकि मोहल्ले के लड़के 3 लोग बैठे हुए थे और इसी बीच मृतक वहां पे पहुंचा है और शराब पी के नशे में कुछ गाली गलौज कर रहा था। इसी बीच में इन दोनों पक्षों के बीच में विवाद बढ़ता गया और जो 3 अलग से जो बैठे हुए थे उनके और साथी वहां पहुंचे हैं और मारपीट हुई है, जिसके कारण ये घटना घटी। लोरमी में बीते दिनों अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से एक वृद्ध की मौत के मामले में जांच अब तक पूरी नहीं हुई। कांग्रेसियों का आरोप है कि जांच अधिकारी के द्वारा अस्पताल प्रबंधन को बचाने के लिए लीपापोती भी की जा रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी मुंगेली कलेक्टर को निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी मामले की जांच एसडीएम चित्रकांत चार्ली ठाकुर को सौंपी गई थी, लेकिन 4 दिन बीत गए लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हुई। जैन जी का मकान है ये, और ये ढींगरमल जैन जो उम्र करीबन 75-80 साल के आसपास का है, जैसे जानकारी मिली कि सुबह 5:30 बजे के आसपास कचरा फेंकने के लिए थोड़ा बाहर निकला था। जैसे ही आया अंदर में, तो अंदर में आते ही कुछ लोग जो है इसका जो है मर्डर कर दिए था हथियार से, और मर्डर करके जो है तो भाग गए। वो एक संदिग्ध रूप से मोबाइल मिला है। सरायपाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ की लगातार शिकायतें मिल रही थी और जिसकी शिकायत स्वास्थ्य कर्मचारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा सरायपाली अनुविभागीय अधिकारी से की गई, जिस पर उन्होंने टीम जांच गठित कर बीएमओ के निवास से सोनोग्राफी मशीन अस्पताल संबंधित अन्य सामान भी छापे में जब्त किए और जांच प्रतिवेदन बनाकर जिला कलेक्टर महासमुंद को भेज दिया गया। जांच सही पाए जाने पर राज्य शासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रावधान के मुताबिक तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया गया। जिसके चलाने के लाइसेंस के डिपार्टमेंट, उसके बाद मैंने चिली की कार्रवाई की और एक पूरी डिटेल रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर साहब को रिसीव की थी। उसके बाद चुनाव आ गए, इस कारण से इस प्रक्रिया में थोड़ा सा टाइम विलम्ब हो गया, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में इनको जो भी किया गया कार्रवाई के लिए उससे ही संदर्भ में सस्पेंड किया। पोलमपल्ली के पातापारा गांव में एक व्यक्ति की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को कब्जे में ले लिया। घटनास्थल को देखकर पुलिस हत्या का अंदाजा लगा रही है। घटना के बाद से ही क्षेत्र में दहशत का माहौल है। कोरबा में 10वीं की पूरक परीक्षा में एक नकल का भी मामला सामने आया है, जहां असली छात्र के बदले कोई दूसरा ही छात्र परीक्षा दे रहा था। जब प्रवेश पत्र की जांच की गई तब इस फर्जी वाले का खुलासा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पकड़े गए छात्र ने फर्जी वाले की बात को कबूल कर लिया है। एक दूसरा व्यक्ति उसका प्रवेश पत्र लेकर एग्जाम दे रहा था, जिस पर प्रेक्षक द्वारा चेक करने पर उसे चेक किया, जिस पर यदि उक्त व्यक्ति दूसरा व्यक्ति होना पाया, जिस पर स्कूल के प्राचार्य द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया, जिस पर
आरोपी के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध कर सूचना मिल गया है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के प्रशिक्षण हॉल में आत्महत्या रोकथाम में मीडिया की भूमिका विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए दिल्ली से सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च की आरती धर और नदीम अहमद ने भाग लिया। अपने व्याख्यान में आरती धर ने बताया है कि छत्तीसगढ़ देश के सर्वाधिक आत्महत्या की दरों वाले राज्यों में शामिल है। आत्महत्या पर आने वाली खबरें बाकी लोगों को उन तरीकों की नकल कर वैसा ही कदम उठाने के लिए प्रेरित करती हैं, ऐसा एक शोध से प्रमाणित भी हुआ है। उन्होंने ये भी बताया है कि मीडिया को ऐसी भाषा का प्रयोग से बचना चाहिए जो आत्महत्या को सनसनीखेज बना देते हैं। आरती धर के मुताबिक आत्महत्या से मृत व्यक्ति की तस्वीर अखबारों में नहीं लगाना चाहिए। जो सुसाइड आत्महत्या बढ़ रही है उसके बारे में जो हमारे पत्रकार बंधु हैं वो जो लिखते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा सनसनीखेज ना बना करके वो कुछ उसको ऐसे प्रेजेंट करें कि बहुत ज़्यादा सनसनीखेज ना हो और उसका इम्पैक्ट कम हो लोगों पर। उसका जो ऐसे लोग हमारे बीच में होते हैं जो इस तरह के कदम उठा सकते हैं उनको रोका जा सके। बेमेतवा जिले में एक दरिंदा 10 साल की मासूम बच्ची को चॉकलेट खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। मासूम बच्ची रोते हुए घर पहुंची और अपनी आप बीती परिजनों को बताई। इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बलात्कार किया है, रिपोर्ट पर थाना भीमकरण में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर जिले में इन दिनों अंधविश्वास को ऐसा बढ़ावा दिया जा रहा है जिसने सभी लोगों को उलझा दिया है। पिछले दिनों जहां एक युवती ने नाक को पति होने का दावा किया था तो वहीं अब एक गांव भूत के आने से डरा हुआ है और घरों से निकलना तक बंद कर दिया है। दरअसल ये ग्राम पंचायत मगाजी का मामला है जहां दो दिन पहले गांव की सीमा पर जंगल में गांव वालों ने कुछ ऐसा देखा। उसके बाद सभी सदमे में चले गए और उन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनके गांव में भूत को छोड़ दिया है। ग्रामीण जहां इसकी शिकायत करने थाने भी पहुंच रहे हैं तो वहीं कलेक्टर भी अंधविश्वास से काफी परेशान है और अब वो जनता के लिए जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। कितना दिन में भूत भेजले बरन 10 साल में कि 5 साल में कितना क्षति बीती बहुत डर बा। रात में डर निकी निकल आस पास इतना डर दिनों के जंगल झाड़ न। अरे डर तो ये के देखे में भयानक डर ही बात। भूत के लटक जाएगा कि गाड़ी में जा रहे हैं तो ढोकल देगा तो गिर जाएंगे। हैं नहीं डर है ये। उस दिन हम लोग ठंडा करने के उद्देश्य हमारी गाँव वालों से बात हुई है, हमने उसको उनको बताया भी समझाया भी है इससे डरने खाने की ऐसी जरूरत नहीं है। जो लोगों में अंधविश्वास काफी अंदर तक घर किया हुआ है उसके लिए हमारे जो महिला बाल विकास विभाग है या हमारा जो जनसंपर्क है इसके माध्यम से हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं कि इसमें अंधविश्वास लोगों का कम। मुंगेली में गल्ला व्यापारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने पत्नी के सामने ही व्यापारी को मौत के घाट उतार दिया। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के साथ मोहल्ले की बताई जाती है। तड़के सुबह करीब 5 बजे गल्ला व्यापारी अधेड़ ढींगरमल जैन कचरा फेंकने के लिए घर से निकले हुए थे तभी घर के दरवाजे के पास घात लगाए बैठे अज्ञात दो हमलावरों ने जानलेवा हमला बोल दिया जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को मौके से एक संदिग्ध मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। माना जाता है कि ये आरोपियों का ही है और पुलिस इसी आधार पर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ये ढींगरमल जैन जी का मकान है। ये ढींगरमल जैन जो उम्र करीबन 75-80 साल के आसपास का है जैसे जानकारी मिली कि सुबह 5:30 बजे के आसपास कचरा फेंकने के लिए थोड़ा बाहर निकला था। जैसे ही आया अंदर में तो अंदर में आते ही कुछ लोग जो है इसका जो है मर्डर कर दिए धारदार हथियार से और मर्डर करके जो है तो भाग गए। वो एक संदिग्ध रूप से मोबाइल मिला है।
मुंगेली जिले के लोरमी में एक बार फिर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत टारगेट पूरा करने के उद्देश्य से कई शादीशुदा महिला पुरुषों की दोबारा से शादी करा दी। कई महिलाएं तो गर्भवती तक पाई गई, उसके बाद भी दोबारा शादी कराई गई। मामले का खुलासा होने के बाद जिम्मेदार अधिकारी दस्तावेज होने का दावा कर रहे हैं। कलेक्टर ने पूरे मामले की जाँच कर कार्रवाई की बात की है। आज के तो बताए। हाँ सर, भगेला वाले हैं, शादी नहीं हुआ था तो सरकारी हो रहा है। किसी खान वाले से क्या नाम है? निरंजन। आपकी पत्नी क्या नाम है? राम सर। कौन गाँव से? मेरा शादी तो हो चुका था पहले, कोर्ट मैरिज किया था। और जो हम लोग मानते हैं, हिंदू धर्म में मानते हैं हम लोग कि एक पंडित के साथ में रहते हैं, पंडित भी रहता है घर में, जो पूजा सब चीज होता है, उस हिसाब से नहीं हो पाया था। इसलिए हम लोग यहाँ पंडित जी भी थे, यहाँ पूरा समाज के पूरे लोग थे, बड़े बड़े नेता भी आए थे, और वहाँ पूरा शादी संपन्न हुआ। इसको मैं कुछ विशेष से कुछ कानून अब कुछ बोलना नहीं चाहते इसमें, लेकिन एक प्रकार से बहुत अच्छा है, जो आदमी अपने घर में ही कर पाता और यहाँ के पंडित जी समाज के मुख्य के द्वारा शादी को संपन्न कराते, बहुत अच्छी। गर्भवती शिशुवती माताओं के संदर्भ में कोई बात मेरे सामने इसलिए नहीं आ पाई है क्योंकि मैंने आते से ही यहाँ शपथ पत्र के अनुसार जो लीगली है और जिसने शपथ पत्र लिया है केवल उन्हीं को मैंने पंडाल में बैठने दिया, और जितने उसके योग्य नहीं थे, कानूनन गलत थे, उन सारे को मैंने पंडाल से बाहर कर दिया। बिलासपुर एसपी ने क्राइम मीटिंग लेकर सभी थानेदारों को अपने क्षेत्रों के किराएदारों पर नजर रखने के लिए कहा है। पुलिस का मानना है कि बढ़ते अपराध के लिए बाहरी लोगों का बिलासपुर में निवास करना है, इसलिए इस पर कड़ी नजर रखना बेहद जरूरी है। एसपी प्रशांत अग्रवाल ने मकान मालिकों को भी इसकी सूचना देने के लिए कहा। मकान मालिक थाने में आकर सूचना दे या ऑनलाइन सूचना दे, ये ज्यादा जरूरी है। दिन रात लोगों की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को मानसिक तनाव से राहत देने के लिए सरकार ने वीकली ऑफ देने की घोषणा की थी, जिसकी शुरुआत राजधानी रायपुर में की गई। पहले दिन करीब 60 से 70 जवानों को वीकली ऑफ पर दिया गया। वीकली ऑफ मिलने से जवानों के बीच बेहद खुशी की लहर है। कल साप्ताहिक अवकाश पर रहे जवानों ने पूरा दिन परिवार के साथ बिताया। जवानों ने वीकली ऑफ मिलने पर एसएसपी और सरकार का आभार भी व्यक्त किया। वहीं सिविल लाइन थाने में मुंशी के पद पर पदस्थ अच्छे खूंटे ने खुशी जताते हुए कहा है कि साप्ताहिक अवकाश मिलने से बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में